कानपुर और बेवर के बीच सेमीफाइनल मैच, पहली गेंद लेकर, पहले ओवर की पहली गेंद। और गेंद को यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे रहते हुए गए, उठाकर मारना चाह रहे थे, पूरी तरीके से चूके। एक बार फिर चले साथ, इस बार गेंद को चार से बल्ले की खाद निकाला है, और लेकिन एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज हर्षित को। पहले ओवर की समाप्ति पर तीन रन, क्या मैच के बाद इस साथ द्वारा सुपर ओवर, थोड़ा एक्टिव रहना इधर उधर भागने के लिए। बाबा कोहली, कोहली तैयार सामने हर्षित। पहला ओवर बहुत ही टाइट गेंदबाजी की साथ में, और इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की कोशिश करेंगे हर्षित। वाओ, बहुत अच्छी गेंद, और यहां पर आउट का मौका, आउट लगता हुआ पेवर की टीम को, आउट हो गए। पहला झटका लगता हुआ मात्र चार रनों के योग पर। इस बार लेग स्टंपिंग करते हुए गए हैं व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा, आतिक दौर में यहां पर एक और रन, टोटल दो रन। इस बार सात पर किया है पट की, उसको यहां पर खेल दिया है अंपायर की तरफ, तब तक गेंद को उठाकर थ्रो करके फील्डर, यहां पर एक रन, लेकिन यहां पर मिस हुए, ओवर हो गया, यहां पर एक और रन, टोटल दो रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा आठ रन। शार बॉलर वाइड बॉल, वाइड बार उठाकर मारने की कोशिश, बहुत ही अच्छी यहां पर विकेट कीपर अर्जुन के द्वारा, स्ट्राइक लेकर तैयार। इस बार छह रन मिलेंगे, इसी मारने के बाद छह रन, बहुत शानदार छक्का बेवर टीम, इस बार फिर से गेंद तो उठाकर खेला, लेकिन वापस बाउंस बैक करते हुए कोहली, सुपर बॉल है कोहली, बहुत ही बेहतरीन कैच लिए हैं, और इसको चलता किया, तुरंत बाउंस बैक करते हुए पहली गेंद पर छक्का खाया, दूसरी गेंद पर गेंद ने दो छोटा किया, और यहां पर हरीश को आउट करके पहले का रास्ता दिखाया, और दूसरा झटका लगता हुआ बॉलर की टीम को 15 रन के स्कोर पर। दो ओवर में 16 रन बना चुकी है बेवर की टीम, हालांकि पहले ओवर में 3 रन था, लेकिन इस ओवर में 13 रन बनाए हैं। तीसरे ओवर लेके जग्गा आए हैं, इस बार ने लॉन्ग आर्म की तरफ गेंद को खेल दिया है, तब तक गेंद को छोटे से फील करें, थ्रो करें आसानी से, एक रन पूरा करके हुए दोनों बल्लेबाज। हर्षित शानदार छक्का, बहुत ही बड़ा छक्का, ना थके हैं पांव ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे कई दौर और आज भी सफल जारी है। फिर पीछे रहा बाय टू बाय सेक्शन लाजवाब छक्का, और इसी मारेगा के पांच छह रन। हर्षित रन आउट कराने के बाद हालांकि उसकी भरपाई कर चुके हैं, ओवर चल रहा है, 29 रन बन चुके हैं। यहाँ पर छक्का, वापस तुरंत अपनी लेंथ पर काबू करते हुए गेंद, इस बार खींची ले गेंद को, और यहाँ पर बल्लेबाज पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, सिंगल के ले जाएंगे, स्कोर बढ़कर 35 रन। एक बार फिर यहाँ पर गेंद को खेला जाते थे, कोई तरीके से गेंद पहले पर नहीं आई, बैट कानूनी किनारा लगाओ जब तक गेंद को फील करके तो रोक जाए, एक रन आसानी से पूरा करते दोनों बल्लेबाज। समाप्ति पर 31 रन, तीन ओवर में 31 रन बन चुके हैं जेवर गोसाईगंज टीम का, तीन ओवर में 31 रन लास्ट ओवर। अगली गेंद, इस बार खेल जाए,
फिर से 6 रन। और यहाँ पर गेंद बाउंस मार के किधर जाती है, अंपायर के फैसले के प्रति 6 रन, फिर से बैक टू बैक सिक्स रन, स्कोर पर का मुझे भक्ति थे। जेवर टीम इतना आसानी से 40 रन पर वह टीम का स्कोर। और यहाँ पर कवर की गेंद को खेला और जब तक आसानी से 1 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज, स्कोर पर का 44 रन। चौवालीस रन बन चुके हैं, चौथा ओवर चल रहा है, क्या 50 रन बना पाएगी जेवर की टीम, सॉरी बेवर की टीम, देखते हैं। लास्ट के पचास रन पूरे हो चुके हैं, पचास रन। फिर यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी शानदार फील्डिंग अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए, और जब तक यहाँ पर दो ही रन स्कोर पर के पहुंचा, 52 रन जीते गए, 53 रनों का लक्ष्य दिया है, 4 ओवर में 53 रन का लक्ष्य कानपुर की टीम के लिए। जी बेवर टीम ने 4 ओवर में 52 रन बनाए हैं, 53 रन चाहिए जीत के लिए कानपुर को। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, यहाँ पर बहुत सारे बेवर की टीम एक ओवर समाप्त हो गया कानपुर टीम का और एक विकेट भी गिर गया है मात्र 4 रनों की योग पर। गांधी नए बल्लेबाज, आप देख रहे हैं गांधी आज क्या करते हैं 2 अक्टूबर के दिन। नो बॉल, यहाँ पर नो बॉल अंपायर का इशारा, और लेकिन आउट हो सकते हैं यहाँ पर, आउट। पहले ओवर में जहाँ 3 रन था बेवर टीम का, वहीं पे 5 रन बनाए हैं और एक नो बॉल का 6 रन बन चुके हैं एक ओवर में कानपुर टीम का। जीत के लिए 4 ओवर में 53 रन चाहिए। और यहाँ पर एक बार फिर, और ये फिर से 6 रन, बारह रन हो चुके हैं, और ये बेहतरीन फिर से 6 रन, 6 रन तो सेम पुनरावृत्ति जैसे पिछले पहली पारी में एक ओवर में 3 रन था, उसके बाद दूसरे ओवर में अच्छी खासी धुनाई हुई थी 18 रन। फिलहाल इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तभी जीत सकते हैं। और एक गेंद के बाद इसको 18 रन, 52 रन चाहिए 13 रन। यहाँ पर साथी खिलाड़ी अपना और इस बार बहुत बढ़िया खेल, बहुत अच्छी फील्डिंग की कोशिश, लेकिन यहाँ पर 100 नंबर फील्डिंग करने गए होंगे, कोशिश बहुत की लेकिन 4 रन मिलेंगे, और यहाँ पर 4 रन नहीं बचा सके, कोशिश के पूरे नंबर फील्डिंग के लिए। अन्ना ने तूफान मचा रखा है और इन्हीं अन्ना की बदौलत अन्ना ने मौसम का रुख ही बदल दिया, कानपुर टीम जीत सकती है।
अभी दिमाग से ठीक है, सुहाना मौसम हो गया आइंदा की बल्लेबाजी देखकर। इस बार हर्षित गलती नहीं करेंगे, जी हाँ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बाउंस बैक करते हैं नबी। इसी विकेट की तलाश थी तो यहाँ पर अंडा के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ, बहुत ही बड़ा विकेट। पहली गेंद फुल टॉस गेंद और जब तक गेंद को फेल किया जाए थ्रो किया जाएगा। गांधी के सामने नबी और इस बार गेंद को खेल रहा है बाउंड्री से मार के बाहर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद आउट और हम ऐसे करेंगे आउट। गांधी वापस आते हुए वास्तव में नबी ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, पूरा मैच पलट दिया है। दो गेंदों पे दो सफलताएं और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विकेट। यहाँ पर एक समय लगता था कि आसानी से ये स्कोर चेस कर लेगी कानपुर की टीम। लेकिन आप इसका प्रति उसका फायदा नहीं उठा पाए, पॉइंट के साथ खेला जब तक गेंद को फील किया जाए एक रन आसानी से। 24 रन बन यहाँ पर आदित्य तीसरे ओवर चल रहा है, 24 रन बने हुए हैं अभी। बॉल है यार, वाइड बॉल आदित्य के लिए और यहाँ पर आदित्य ने उठाकर मारना चाहे लेकिन गेंद और बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हुआ और जब तक गेंद को क्षेत्र से गिर रहा। 10 गेंदों पे 28 रन चाहिए अभी और यहाँ पर उठाकर खेला 4 रन के लिए स्टेट बाउंड्री मार्क के बाद 4 रन। 9 गेंदों पे अब 24 रन, अभी भी पास में पूरी जान बाकी है। और इस बार पॉइंट की कवर के पर खेल दिया है और जब तक गेंद को फेल किया जाए तो क्या जाए आसानी से यहाँ पर रन आउट का मौका और यहाँ पर विकेट गवा दिया बल्लेबाज ने रन आउट के रूप में। तो यहाँ पर बेवर टीम हावी होती हुई है। और ये बेहतरीन 6 रन अभी मैच में जान बाकी है, कह रहा है 100 लाइक हो जाए लगा दिए कानपुर की टीम ने स्कोर करके 37 37 कह रहा था ना 100 लाइक हो जाएगा मैच मजा आएगा और आप लोगों ने 100 लाइक कर दिया, देखिए मैच मजा। और यहां पर एक बार फिर क्रिकेट देखे तो फार्मर बॉक्स में रहेगा कितना बाबा फिल्म मौजूद एक रन आसानी से पूरा करेंगे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति स्कोर बढ़कर 38 रन, जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों में। 6 गेंदों पे 15 रन चाहिए, 6 गेंदों पे 15 रन, वाव बहुत ही बेहतरीन मैच। 6 गेंदों 15 रन और यहाँ पर उठाकर मारा है लेकिन सिर्फ 1 रन। अब 5 गेंदों पे 14 रन, अब यहाँ पर दो डबल बैक टू बैक सिक्स लगाने होंगे। वाइड बॉल, वाइड बॉल, अभी भी 5 गेंद शेष। और आउट, और यहाँ पर आउट, 4 गेंदों का खेल यहाँ पर बचा है कानपुर की टीम। 13 रन चाहिए 4 गेंदों पे। तीन गेंदों पे 3 चौके चाहिए या 2 बैक टू बैक सिक्सेस। भाई बाउंड्री से रहना, 2 छक्के कौन मारेगा देखना है। कौन यहाँ पर मुकद्दर का सिग्नेचर बनेगा कानपुर की टीम का। फिर से
नौशाद अंसारी ने 20 का सुपर चैट किया है। अभी बात करते हैं, आप देखिए दो गेंदों पे 12 रन चाहिए। आप तो बहुत मुश्किल, एक गेंदों पे 12 रन। जाओ यार, अरे खेलो यार अच्छे से, भी नो बॉल पे छक्का लग सकता है। रनिंग कर लो एक बॉल। हो गया। और यहाँ पर बेवर टीम, यहाँ पर बेवर की टीम ने मुकाबला जीत लिया 12 रनों से। टॉस के लिए आ जाए दोनों टीमें।